आइडिया डॉक्यूमेंट्स पर ये रहा आपका पार्ट टू इनकम एंड इन्वेस्टमेंट प्रूफ के बाद अब बारी है टैक्स स्टेटमेंट की। इसमें मेनली आपके फॉर्म 16, फॉर्म 26AS एंड AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आते हैं। सैलरीड प्रोफेशनल्स को खासकर फॉर्म 16 का इंतजार होता है जो कि उन्हें उनकी कंपनी की ओर से जारी किया जाता है। बेसिकली आपके सैलरी से इनकम और टैक्स लायबिलिटी का लेखा जोखा होता है। इसमें देख सकते हैं कि आपकी सैलरी से इनकम कितनी है, आपकी कंपनी ने कितना TDS काटा है, कितना बकाया है, आपके बिहाफ पर सरकार को कितना टैक्स दिया गया है वगैरह वगैरह। इसमें दो पार्ट होते हैं, ए और बी। पार्ट ए में कितना टैक्स कटा है, एम्प्लॉयर का पैन और टैन क्या है ये बताते हैं, और पार्ट बी में ग्रोस सैलरी ब्रेकअप, एग्जेम्पशन वगैरह की डिटेल होती है। नाउ कमिंग टू फॉर्म 26AS एंड AIS, ये दोनों ही आपकी टैक्स कुंडली हैं। इसमें आपकी इनकम और टैक्स लायबिलिटी से लेकर इन्वेस्टमेंट तक की सारी डिटेल मिल जाती है। AIS अब ज्यादा इम्पोर्टेंट और डिटेल डॉक्यूमेंट बन चुका है। अगर आपके पास बस AIS है तो भी आपकी ITR फाइलिंग सॉर्टेड है। AIS में आपकी पूरी डिटेल्स मिलती हैं एक जगह पर, चाहे सेविंग्स अकाउंट में मिला ब्याज हो, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन हो या फिर पोस्ट ऑफिस या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। AIS ने ITR फाइलिंग को भी अब काफी ईजी कर दिया है। अब तो प्रीफिल्ड ITR फॉर्म भी आने लगे हैं, तो आप AIS से इस प्रीफिल्ड फॉर्म की डिटेल्स चेक कर लें और ITR भर दें, डन। कर बचत के इस स्पेशल एपिसोड में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे पर्सनल डिटेल्स पर।